हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। सुबह से ही काफ़ी बारिश आ रही है, सुबह ही नहीं कल शाम से ही काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है। तो अब मैं नहा ली थी, सब कुछ कर लिया था इवनिंग में मैंने, पशुओं का सारा काम करने के बाद ये व्लॉग स्टार्ट किया है। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3:30-4 बजे के करीबन और बारिश पूरे दिन आ रही है, तो बर्तन हो रहे थे, मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। और बारिश के मौसम में ये काम सबसे मुश्किल होता है। खुले घर होते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं पशुओं के जो बनते हैं वो कितना ज़्यादा, मतलब वहाँ पर पानी भरा हुआ है और पशु अंदर बंधे हुए हैं, 2 दिन हो लिए अंदर ही हैं, तो अंदर भी बहुत बुरा हाल कर रखा है। लेकिन मैं बार बार मैं वो ठीक करके आती हूँ वहाँ पर। तो मैंने वहाँ सारा काम करने के बाद मैं नहाई थी, क्योंकि अगर पहले काम करती तो फिर पशुओं का काम करती फिर से गंदे हो जाते हैं अंदर का। पहले ही मैंने सुबह ही पोछा लगा दिया था, पोछा मैं रेगुलर लगाती हूँ चाहे कितनी भी बारिश वगैरह हो। और आज मैंने बाथरूम की क्लीनिंग की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं पास होता, पूरे दिन बारिश होती है तो इतना कुछ काम नहीं होता, क्योंकि बाहर वगैरह पोछा लगाना नहीं होता। बारिश काफ़ी ज़ोर से हो रही थी और तो बिल्कुल साफ है बाहर का, जब खुलेगा तब एक बार इसको झाड़ू पोछा लगाएंगे। किस तरह से करते हैं पोछा लगाना है इसमें, अच्छे से एक बार झाड़ू लगाएंगे फिर पोछा लगाएंगे। तो वहाँ पर मैंने पशुओं का जो भी चारा वगैरह होता है वो सब कुछ बना दिया है। और मेरा बेटा इधर उधर घूम रहा था, मैं बार बार मैं यही कह रही थी कि दौड़ मत दौड़ मत, पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चों को गिरने का बड़ा डर होता है और बारिश के मौसम में फिसलन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं पर मशीन खड़ी हुई आप देख सकते हैं और कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में जब भी हस्बैंड वगैरह ड्यूटी से आते हैं तो कपड़ों को भिगो कर रख देते हैं, और ऐसे मौसम में कपड़े सूखते भी नहीं हैं, कहाँ पर सुखाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमारी जो मशीन है उसका ड्रायर ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने आज मशीन नहीं लगाई। अदरवाइज़ हम रेगुलर मशीन लगाते हैं, क्योंकि ड्रायर से अगर एक बार सूख जाते हैं तो कपड़े अंदर कहीं पर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़े हाथ से निचोड़ कर अंदर डालते हैं तो काफ़ी गीला हो जाता है घर। और यहाँ पर बच्चों की चल रही है मस्ती, 4:15 का टाइम हो रहा है, हमने चाय वगैरह बना ली थी पी ली थी, और मेरा बेटा देखो किस तरह से पागलों की तरह कर रहा है। कितनी बार भी चारपाई पर सीट लगा दे, लेकिन मतलब चादरें लगा दे, तभी की तभी ऐसे की वैसी हो जाती है। मैंने सुबह से 3 से 4 बार लगा दी है, और अभी मैंने जस्ट झाड़ू वगैरह निकाली थी तब भी लगा दी थी, लेकिन फिर ऐसे की ऐसी करती है, रात तक 2-3 बार और भी लग जाएगी। और मेरी बेटी को मिल गया यहाँ पर एक खेल, क्योंकि बच्चों को बारिश में भीगने का काफ़ी मज़ा होता है, और उसको जब छतरी दिखाई दे रही है तो उसको एक खेल सा मिल गया है कि कुछ हो रहा है। सो यहाँ पर दीदी पढ़ रही थी अखबार और मैं काट रही थी इस टाइम पर सब्जी। सब्जी में आज मैं बनाऊंगी दाल, क्योंकि सब्जी में बहुत रोज़ रोज़ वो सब्जी खाते हुए परेशान हो गई, तो रात को मैं कई बार दाल ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है, और यहाँ पर चल रही थी बच्चों की थोड़ी सी मस्ती, और उसके बाद देखते हैं क्या काम करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों अब आ गई थी मैं बर्तन वॉश करने के लिए, आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। सुबह सारे धोकर सोई थी, 11:30-12 बजे के करीबन मैंने सारे यहीं पर बैठकर धोए थे, और ये शाम के टाइम के बर्तन हैं, और रात को एक बार इतने ही बर्तन और धोने हैं। रात को भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी से आते हैं तो उनके टिफ़िन वगैरह भी हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही, कभी तेज़ होती है कभी कम हो जाती है, लेकिन बर्तन यहीं पर बैठकर धोना होता है और काफ़ी मुश्किल होता है ये काम। खुले में जब घर होता है तो यहीं ऐसे ही बैठकर धोना होता है। एक्चुअली में हमारी किचन में सिंक नहीं है, इस टाइम पर हमें सिंक काफ़ी याद आती है। वैसे मुझे सिंक नीचे बैठकर ही बर्तन धोने में मज़े आते हैं, क्योंकि खुले में आराम से धो, 2 बाल्टी लो फटाफट से धो जाते हैं। सिंक
सिंक से जल्दी धोते हैं, लेकिन इस मौसम में जल्दी याद आते हैं क्योंकि इस मौसम में थोड़े से बर्तन हो तो आराम से सिंक में वॉश हो जाए, लेकिन अब काफ़ी दिक्कत आती है बार बार में पानी वगैरह लाने में, फिसलन हो जाती है, डर सा लगता है। और अभी तो फिलहाल हमारा सारा घर पक्का हो गया है, जैसे कि पहले जैसे पशुओं वाला था वो कच्चा होता था, तो उस टाइम पर जैसे 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो जाती थी तो वहाँ पर काई जम जाती थी, जैसे ग्रीन ग्रीन कलर की काई होती, उसमें काफ़ी फिसलन होती थी। लेकिन अब वो पक्का हो गया है तो उसमें इतनी फिसलन तो नहीं होती, लेकिन अगर हम चप्पल पहनकर स्लीपर पहनकर जाते हैं तो वो भी टाइल्स काफ़ी चिकनी हो चुके हैं, क्योंकि मैं रेगुलर पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने की वजह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है, आप सभी को पता है। पशुओं के भी पड़ने का डर होता है, मुझे पूरा फैमिली कहता भी रहता है रेगुलर मत लगाया करो, लेकिन मेरी हैबिट हो गई है, मुझे थोड़ा सा भी डर्टी हो जाता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब पशुओं को नहलाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी वगैरह हो जाती है। अगर हम उसको झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, जैसे पानी डालकर झाड़ू लगा देते हैं, फिर भी खुला है तो बच्चे आते हैं अंदर, जैसे अंदर गिल्ला हो जाता है, जैसे अंदर का आप कितना भी फिर साफ़ करो फिर अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से मैं पोछा लगाती हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाए और फिर हमें कोई भी पूरे दिन साफ़ रहता है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन देख सकते हैं आप, और मैं बर्तन धो रही हूँ, सभी अंदर बैठे हुए हैं और अभी हस्बैंड के ड्यूटी पर आने का टाइम हो जाएगा, और मैंने दाल उबालनी चढ़ा रखी है, आज दाल बनाऊंगी। टमाटर प्याज मैंने ऑलमोस्ट काट लिए थे बैठकर, और हस्बैंड का पानी गर्म करना है क्योंकि टाइम ऐसा ही चल रहा है, ड्यूटी से जैसे ही आते हैं तो पहले सैनिटाइज होते हैं पूरे और फिर नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो इसलिए मैंने पानी रख दिया है। उसके आने का टाइम हो रहा है, 6 बजे 6:15 बजे के करीबन वो आ जाते हैं। आज वो गाड़ी लेकर गए थे क्योंकि कल से ही बारिश हो रही थी तो मौसम बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, तो बाइक पर तो नहीं जा सकते थे तो गाड़ी लेकर गए थे। तो बस मैं आपसे बात करते करते बर्तन धो लेती हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखकर चले जाते हैं, और आजकल मेरे चैनल पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, थोड़ा सा सपोर्ट किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही रेगुलर, आप सभी को पता है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा देती हूँ वाइपर। मैं वाइपर भी 2-3 बार लगा लेती हूँ, बारिश के मौसम में बारिश हो रही थी तो मैंने छत्ता ले रखा था ताकि गिल्ली ना हो जाऊँ, क्योंकि मैंने नहा ली थी पहले, तो मैं वैसे ही काम कर लेती हूँ, लेकिन अब नहाने के बाद बार बार में कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इसकी वजह से मैं सारे में एक बार वाइपर मार देती हूँ, लेकिन बारिश तो आती ही रहेगी। वाइपर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो हमने बर्तन वॉश किए थे उसकी वजह से साबुन वगैरह होती है वो नीचे चले जाते हैं, और बच्चे जब इधर उधर जाते हैं तो इसकी वजह से फिसलन हो जाती है और बच्चों के गिरने का डर रहता है। तो मैं यहाँ पर वाइपर लगा दिया है, और उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ मैंने दाल उबालना चढ़ा रखी थी, बनी है या नहीं बनी वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश काफ़ी तेज़ है और मैंने वाइपर भी लगा दिया है। दोस्तों मैं किचन में जैसे ही गई तो मैंने देखा दाल से काफ़ी पानी गिर रहा था, और हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मेरा बेटा, बहन का बेटा खोलने के लिए गया था गेट को, और आप देख सकते हैं गाड़ी, एक्चुअली में हुआ क्या, गाड़ी अचानक से बंद हो गई, इसमें पानी चला गया था कि काफ़ी पानी भरा हुआ था सड़क पर जहाँ पर भी, तो गाड़ी अचानक से स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अब वो वहीं पर खड़ी करके आएंगे गाड़ी को। बाद में काफ़ी मुसीबत हुई थी, गाड़ी को धक्का लगाकर अंदर लेकर आया गया था, और उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा, पानी निकल जाता है तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, बारिश लगातार 2-3 दिन से हो रही है तो काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टमाटर प्याज पहले ही काट लिए थे, और मेरी दाल भी उबल चुकी थी, और मैंने पानी भी गर्म कर दिया था, लेकिन दाल से जब सीटी लगती है तो इतना बुरा हाल कर देती है, स्लैब का थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो मैं इसको भी अभी स्लैब को साथ साथ साफ़ कर लूँगी ताकि बाद में दिक्कत ना आए। बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, हस्बैंड आ गए हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि ठंडे पानी से भीग जाना और बाद में फिर गीले हो जाना, मतलब गर्म पानी से नहाना तो सर्द गर्म, और फिर ऐसी बीमारी चल रही है तो थोड़ा सा डर लगता है। तो वो बार बार में चेक कर रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं, और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ कॉटन का कपड़ा, और इससे कर रही हूँ स्लैब की सफाई, क्योंकि साथ साथ कर लेते हैं तो इससे हमारा मतलब काम जल्दी निपट जाता है, दूसरे दिन गंदा नहीं होता। मैं ऐसे ही जैसे भी कुछ भी चाय वगैरह डलते हैं तो साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसे से एक तो किचन होता है बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, और एक आपको क्या होता है फिर वो गैस के ऊपर वो चीज़ जम जाती है, जिसकी वजह से अगर आप फिर पोछा वगैरह से साफ़ करते हैं तो उसमें
आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। कोई भी चीज़ जब आप गीली गीली साफ़ कर लेते हैं तो उससे आपका टाइम की बचत होती है और आपकी किचन भी साफ रहेगी। तो यहाँ पर मेरा खाना बन चुका था, मैंने चपाती और मतलब दाल दोनों को बना दिया था। उसके बाद सभी ने खाना खा लिया है। आप देख सकते हैं मैं मतलब जैसे एक चटनी बनाई है, लाल मिर्च की चटनी बनाई है, दाल बनाई है और बस। तो बच्चों ने सभी ने खाना खा लिया था और यहाँ पर मैं दूध दे रही हूँ बच्चों का, क्योंकि बच्चों के सोने से पहले दूध बच्चे ज़रूर पीकर सोते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके दूध में थोड़ा थोड़ा चीनी मिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे बिना चीनी का दूध नहीं पीते। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी और दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। अंदर चलते हैं तो यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं आप लेट रहे हैं, ठंडा मौसम हो रहा है तो बच्चों ने ओढ़ रखा है अपने अपने, और देख सकते हैं चद्दर का क्या हाल कर रखा है, बुरा हाल कर देते हैं। एक बार इनको फिर से ठीक करना पड़ेगा। और मैंने तीनों बच्चों को दूध दे दिया है और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। बादल और भी ज़्यादा काले होते नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और थोड़ी थोड़ी हवा भी चलना स्टार्ट हो गई है। और अभी आपको दिखाती हूँ ये बर्तन रखे हुए हैं, तो यहीं पर बैठकर मुझे रात के बर्तन धोने हैं, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया था और मैं आ गई थी अपना खाना लेकर। तो मैं यहाँ पर बैठकर खाना खा रही हूँ और उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो खाना खाने के बाद मैं मेरी बेटी को सुलाऊंगी, उसके बाद बर्तन वॉश करूंगी, क्योंकि वो अगर उसको नहीं सुलाऊंगी तो वो मेरे साथ ही खड़ी रहेगी बारिश के मौसम में। तो इसकी वजह से मैं पहले उनको सुलाती हूँ। और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।